नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल Only Facts हिंदी पर। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में आप लॉकडाउन में कौन कौन से काम निपटा सकते थे उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको लॉकडाउन के कुछ अहम फैक्ट्स के बारे में। पहला फैक्ट, योग से कुछ तो होगा, काम तो करना ही है। इंस्टा और फेसबुक बंद करके खबरें पढ़िए, योगा करिए। योगा से आपको काफी सारे लाभ हो सकते हैं और हो सकता है कि आपकी योग से दोस्ती भी हो जाए। दूसरा फैक्ट, फोटोग्राफी के बारे में क्या ख्याल है? फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जिसमें पल कैप्चर होते हैं। लॉकडाउन के कितने ही पल और कितने ही लम्हे आप कैद कर सकते थे, उन्हें कैद कर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, जैसे कि फोटो एडिटिंग सीख सकते थे और स्मार्टफोन फोटोग्राफी भी। तीसरा फैक्ट, पौधों से कभी प्यार किया है? अगर घर में 2-3 पौधे हैं तो उनकी कान छान कर सकते थे। पौधों के रोज पत्ते गिरते जीवन का ज्ञान देते हैं। हम एक पत्ता ही हैं, कभी न कभी तो गिरेंगे ही। पूरा पौधा एक जीवन की चैन है, ये यूं ही चलता रहेगा। पौधों के साथ समय बिता सकते थे, बहुत कुछ नया सीखने को मिल जाता। चौथा फैक्ट, लॉकडाउन के दौरान आप पुराने सामान को नया बना सकते थे, जैसे कि दादाजी की पेटी कितने सालों से जंग खा रही है, आपके बचपन की साइकिल की चेन भी उसी हालत में है, उसे साफ कर सकते थे, उन पर कोई नया डिजाइन बना सकते थे, उन्हें कोई नया रूप दे सकते थे ताकि उस पर आपकी याद दर्ज हो जाती। पांचवा फैक्ट, मेडिटेशन की ओर बढ़ सकते थे। मेडिटेशन एक दिन का काम नहीं है, कुछ दिन अगर आपने इस पर ध्यान लगाया होता तो समय कम मालूम पड़ता। मेडिटेशन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी एक एक सांस को महसूस करें। मेडिटेशन आपको एक नया जीवन दे सकता है। छठा फैक्ट, आप एक डायरी लिख सकते थे, इस दौर को डॉक्यूमेंट कर सकते थे ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को पता लग सकता कि आपने लॉकडाउन के दौरान क्या किया है। इसके अलावा कविताएं, कहानियां, किस्से, जो भी मन करे वो लिख सकते थे, बाद में उसे पढ़ते तो कसम से अच्छा लगता। सातवां फैक्ट, जो तुम्हें याद करते थे उनसे बतिया सकते थे। हर एक की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जरूर होता है जो कि उसे बहुत मिस करता है, जैसे कि कोई दोस्त, एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड्स। किसी से भी आप बात कर सकते थे, फोन तो किसी ने नहीं छीना था ना आपका। आठवां फैक्ट, कोई भी वेब सीरीज निपटा सकते थे। अगर वेब सीरीज देखने का शौक है तो अपने यारों दोस्तों के साथ भी उसको निपटा सकते थे, उस वेब सीरीज पर बात कर सकते थे, क्या समझ आया क्या नहीं उस पर भी चर्चा कर सकते थे। नौवा फैक्ट, रोज सुबह उठकर आप खुद को शीशे में देर तक देख सकते थे। पर्सनल तजुर्बा है दोस्तों, ज्यादा लोगों के साथ नहीं शेयर किया है, पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सुबह उठकर अपने आप को आईने में जरूर देखें, आंखों में आंखें डालकर कुछ देर तक देखते रहें। कई बार लगेगा कि बेटा तुम तो दुनिया के सबसे हसीन आदमी हो, कई बार गुस्सा भी आएगा और कई बार तो आंखें कैटरीना जैसी भी लगती होंगी तुम्हारी, ये ख्याल आएगा। जो ख्याल आए आने दो, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, वो तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। इस एक्सरसाइज को लॉकडाउन के दौरान आप कर सकते थे। दसवां फैक्ट, खुश रहो और खुश रहने दो। अब भैया कलेश खून खराबे में लीचड़ पुने में कुछ नहीं पड़ा, कभी बहन के साथ रिमोट के लिए लड़ पड़े और कभी किसी के साथ भिड़ पड़े। घर के अगर सरदार हो तो अपनी सरदारी पर गुमान मत करो, वैसे घर में कोई सरदार होता नहीं, घर है कबीला थोड़ी ना, सबकी अपनी राय होती है, मायने हैं उसके। खुश रहो और अपने परिवार वालों को भी खुश रखो। लॉकडाउन के दौरान अगर आपने ये 10 चीजें की होती तो आपको इनका काफी लाभ भी होता और आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाती। दोस्तों, अगर आपने इनमें से कुछ चीजें लॉकडाउन के दौरान की हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।